सर देयर इज बेस एंड हाइट। नहीं, बट व्हाट इज ए पैरेललोग्राम? अगर मैं बोलूंगा पैरेललोग्राम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ए पैरेललोग्राम? शाबाश, बताओ। Which is parallel to each other? नहीं, व्हाट इज पैरेलल टू ईच अदर? अपोजिट साइड्स। साइज। हाँ, सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हम फिगर बताएं ए बी सी डी, तो इस फिगर में साइड ए बी इज इक्वल टू साइड सी डी एंड दे आर पैरेलल। ऐसे ही साइड ए डी इज पैरेलल एंड इक्वल टू बी सी। तो जब हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, उसका एरिया क्या होता है? क्या होता है एरिया पैरेललोग्राम का? एरिया होता है बेस, बेस इनटू हाइट, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट यही हमने देखा था ना उसमें। तो ये जिसका मिस हो गया, वो ये मैं उनको भेजूंगा, तो इसमें आप देख सकते हो, ये हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जैसे ये पॉइंट्स लिखे थे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। जो इस, इनटू हाइट। हाँ, तो अब उसका हम बेस इनटू हाइट कर लेते हैं। मान लो ये वाला है, ये जो है ये वाला, इसका क्या होगा एरिया? इसका बेस कितना है? ये बेस है जिस पे ये टिका हुआ है। सो बेस हमारा है 8.75 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? हाइट है इसके अपोजिट, इसकी अपोजिट साइड ये वाली है, और इनके बीच में जो ये हाइट है, हाइट हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। देखो यहां से दिखाया हुआ है स्क्वायर, ये जो ऐसे दिखाया रेक्टेंगल या स्क्वायर, इसका मतलब है ये एंगल 90 डिग्री है, और ये वाली लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन, ये है 12.5। तो एरिया कितना होगा? बेस 8.75 मल्टीप्लाइड बाई हाइट 12.5 सेंटीमीटर। इनको आप कैलकुलेट करना और उतना हमें एरिया मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अभी जैसे ये देखो, अब थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन वाला देखते हैं। ये वाला, इसका राजवीर बताओ, इसका क्या एरिया होगा? जो इसके अंदर ये एरिया है, ये कितना होगा बताओ? ये कौन? 10 एरिया, अभी हमने बताया एरिया क्या होता है? बेस को, बेस मतलब जो नीचे वाली साइड है जिस पे ये टिका हुआ है, उस बेस को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो बेस तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को आपने इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करना है। हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 40 40 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए क्वेश्चंस दिए थे आपको कल की क्लास में कि इसकी प्रैक्टिस करना है। किसी ने किए ये? अंजलि ने किए हैं, वेरी गुड। सर सोनिया ने भी किया है। सोनिया ने भी किए हैं, वेरी गुड।
अब इसे अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हम ये फिल इन द ब्लैंक्स भी बोला था मैंने, ट्राई करना। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स फॉर ए रेक्टेंगल। ये किए थे? Yes, sir. बोलो Yes, sir. शिवम, सूरज और सूरज ने, आपने किए? चलो, जिसे नहीं किया उसकी मर्जी है, वो नहीं करना चाहता है नहीं करे। अब उसके बाद हमने सर्कल का किया। सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ? पाई पाई टू रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, वो हमारा होता है एरिया। दिस इज योर एरिया। और एरिया और सर्कमफ्रेंस क्या होता है? बताओ। सर बाउंड्री ऑफ द हाँ, लेकिन सर्कल उसका क्या फॉर्मूला है? जैसे एरिया इज पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया? हिमांशु, आप बताओ। बोलो। चलो अंजलि, आप बताओ सर्कमफ्रेंस क्या होता है? शाबाश, सुनाई दे रही है आवाज मेरी? सर बताओ। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई डी डायमीटर। ये तो हमने देखा था। ये देखो, सो पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। और अगर हम दोनों साइड, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, दोनों साइड अगर हम डी डायमीटर से मल्टीप्लाई करें, इसको भी डी से मल्टीप्लाई करो और इसको भी डी से मल्टीप्लाई करो, ये डी और डी कैंसिल, तो राइट साइड में बच गया सी सर्कमफ्रेंस, और लेफ्ट साइड में क्या बन गया? पाई इनटू डी। तो ये लिख के रख लो, सर्कमफ्रेंस इस फॉर्मूला से हमने देखा कि पाई जो है वो सी अपॉन डी होता है, तो इससे हमारे को सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मिलता है। देयरफोर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई डी, और डी कितना होता है इन टर्म्स ऑफ आर? 2 आर होता है। हाँ, टू तो मैं डी के बदले लिख सकता हूँ 2 आर और बीच में पाई लिख दूंगा, तो इसे याद रहेगा। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर बोलो या पाई डी बोलो, दोनों करेक्ट हैं। याद रहेगा? यस
यस अब ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस और एरिया, और यहाँ पे डैश दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, अगर ये रेडियस है तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 × π मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। तो रेडियस दिया हुआ है 2 × 3.14 × रेडियस दिया हुआ है 13.5। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे वो आपको सर्कमफ्रेंस मिलेगा, 2 × 3.14 × 13.5, तो वो आपको लगभग 84.7 मिल रहा है। तो सर्कमफ्रेंस हो गया 84.8 मान लेते हैं। इसका क्या यूनिट लिखूंगा मैं? क्या बात, यूनिट कौन बताएगा? अगर रेडियस 13.5 सेंटीमीटर है तो सर्कमफ्रेंस का यूनिट क्या होगा? सर सेंटीमीटर। हाँ, इसका भी सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस तो पेरीमीटर होता है, विच इज इक्वल टू 2 π r। और एरिया कितना होगा? एरिया इज इक्वल टू 5 r² अरे स्क्वायर। ये r दिया हुआ है, इसको हमने स्क्वायर करना है। इसी तरीके से आपको कुछ जैसे यहाँ 14 दिया है, तो आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है और एरिया निकालना है। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा है, फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट। एक आपके पास ऐसे एक सर्कुलर प्लेट है हूज सर्कमफ्रेंस इज 77 सेंटीमीटर। अब आपको इस प्लेट का सर्कमफ्रेंस दिया है, सी दिया है 77 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है कि उसका रेडियस फाइंड करो आर, और जब आर मिलेगा तो उसका एरिया भी फाइंड करो। अब आपको क्या दिया हुआ है? सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस अगर दिया है, क्या आप रेडियस निकाल सकते हो? बताओ। अगर आपको एक सर्कल बनाया हुआ है, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और इसका आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है? 77 सेंटीमीटर। 77 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना होगा आर? अब आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और आपको मालूम है सी किसके बराबर होता है? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई, 2 π r। हाँ, या 2 π r बोलो या π d बोलो। 2 क्योंकि 2 r तो d के बराबर होता है, उसको पाई डी भी बोल सकते हो या 2 π r भी बोल सकते हो। और आपके पास ये जो सर्कमफ्रेंस है सी, ये दिया हुआ है 77, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है 77
और राइट साइड में लिखा है 2 पाई आर। तो आपको आर निकालना है, आर तो देखो क्या करना चाहिए। आज कितने स्टूडेंट्स हैं? आज तो 7 ही है। जब भी अभी हम एलजेब्रा में भी पढ़ेंगे, जब भी आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन मतलब इक्वल, जैसे आपके पास मान लो एक तराजू है, ध्यान से सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये एक तराजू है, ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है। जब ये दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये इसका जो ऊपर ये बैलेंस है, ये स्ट्रेट रहता है। ऐसे ही मैथ्स में हम इक्वेशन करते हैं, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है। जैसे मैं कह सकता हूँ 5 इज इक्वल टू 5, या 15 इज इक्वल टू 5 प्लस 10। अब ये मेरा लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, तो जरूरी नहीं है कि यहां सिर्फ नंबर्स हो। जैसे ये नंबर है और ये भी नंबर है। एलजेब्रा में अभी हम जब पढ़ेंगे, मे बी नेक्स्ट क्लास हम एलजेब्रा की स्टार्ट करेंगे, एलजेब्रा में लेटर्स को भी हम नंबर मानते हैं। कि यहां पे मैं 15 के बदले लिखूंगा ए, ए इज इक्वल टू 15, ठीक है। मान लो ऐसे लिखा मैंने, तो इसको क्या कहेंगे? ये इक्वेशन है, इक्वेशन। इक्वेशन मतलब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है। तो ये हमारे को क्या बता रहा है कि ये लेफ्ट ए जो है ये 15 के बराबर है। अब इस इक्वेशन को बराबर हम तब तक रख सकते हैं जब तक मैं लेफ्ट को, जैसे मान लो ये तराजू, अगर इस लेफ्ट पे मैं 1 kg का स्टोन रखूं और यहाँ पे भी 1 kg का रखूं, तो ये बराबर रहेगा। फिर मैं इसमें 2 kg ऐड करूंगा, यहाँ भी 2 kg ऐड करूंगा, तब भी बराबर रहेगा। यानी कि जो मैं लेफ्ट में करूंगा वही मेरे को राइट में भी करना है। सो जब हम मैथ की इक्वेशन में काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। जैसे अभी अभी का एग्जाम्पल अगर लें, हमारे को दिया है सी इज इक्वल टू आपने का 2 पाई आर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सी हमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, उसमें कितना था? 77 सेंटीमीटर 77 दिया था सी, तो ये मैंने सी के बदले 77 लिखा, इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर का क्या मतलब है कि 2 को पाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आर के साथ भी मल्टीप्लाई हैं। ये मेरी इक्वेशन है, इसको ध्यान से देखना। ये मेरी इक्वेशन है कि लेफ्ट साइड में 77 लिखा है, राइट साइड में 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको अब हमें क्या चीज निकालना है? सर आर हाँ, तो यहाँ यहाँ फिर से मैं लिखता हूँ, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, 77 इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो जिस चीज को हमें फाइंड करना है, हमें इस आर को, इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम, उसको अलग करेंगे। इस जिसकी फाइंड करनी है वैल्यू, उसको हम अलग करेंगे। अलग करने को हम बोलते हैं अलग करना।
उसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेट, अलग करना। लिखो कॉपी में, आइसोलेट यानी कि अगर हमारे पास मान लो ऐसे ग्रुप में, मान लो ये हमारे पास चार फ्रेंड्स हैं इकट्ठे हुए हैं, अगर मैं इस फ्रेंड को अलग करूं, इसको मैं अलग करूं, तो इस फ्रेंड को मैंने आइसोलेट किया, बाकियों से अलग कर दिया। इसी तरीके से इन, अब मेरे पास तीन यहाँ पे नंबर्स हैं, आर बी है, पाई बी है, टू बी है, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको मैं अलग करना चाहता हूं, तो फिर मेरे को आर कैसे अलग होगा, तो मेरे को देखना है कि इस आर को बाकियों के साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है। अब बाकियों के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अलग कैसे करूंगा मैं। मैं अगर इस 2πr को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, इसको मैं डिवाइड करता हूं, किससे, 2 से भी और पाई से भी। उससे क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई भी कैंसिल होएगा, r आइसोलेट हो गया, r अलग हो गया। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने इस राइट साइड को, ये जो राइट साइड था, इसको मैंने डिवाइड किया 2 और पाई, लेकिन ये जो इक्वेशन है इसको मैंने बराबर रखना है। इसका मतलब है, जैसे हमने तराजू में देखा कि जो चीज हम लेफ्ट को करेंगे वही राइट में भी करना है। अगर मैंने राइट में इसको 2 पाई से डिवाइड किया, तो मेरे को लेफ्ट साइड को भी 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 पाई, तब ये बराबर रहा। ये समझ में आया ये स्टेप? यस सर, यस सर। पहली इक्वेशन हमारी ये वाली थी कि c इसके बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय r। अब क्योंकि हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम r को अलग करना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं। हम आइसोलेट कैसे करेंगे r को, हम देखेंगे r के साथ बाकी जो नंबर्स हैं वो कांस्टेंट हैं या वेरिएबल हैं, कुछ भी है, वो लेटर है या नंबर है, उनके साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है। तो आपको पता चल रहा है ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अलग करने के लिए, r को अलग करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पाई से। लेकिन जो मैंने राइट को करना है वही मुझे लेफ्ट को भी करना पड़ेगा, इसलिए c को, c 77 है, c को भी मैंने 2 पाई से डिवाइड कर दिया। फिर क्या हुआ, ये 2 और 2 कैंसिल, क्योंकि 2 न्यूमरेटर में, 2 वन्स आर 2, 2 वन्स आर 2, और ये पाई भी कैंसिल। तो राइट साइड में मेरे को इस इक्वल के राइट साइड में मेरे को क्या बच गया, आर, और लेफ्ट में क्या बच गया, 77 डिवाइडेड बाय 2 इनटू पाई पाई। अब देखो 2 पाई कितना होता है, अभी हमने पढ़ा था कि जो पाई है उसको हम 3.14 भी मान सकते हैं और 22/7 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखने से मुझे लग रहा है कि मैं 22/7 अगर यूज करूं तो कैंसिल करने में आसानी है, क्योंकि यहाँ भी 7 का मल्टीपल है और ये 2 है और ये नीचे है पाई, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 77 डिवाइडेड बाय ये 2 है। अब जो ये पाई है, पाई हुआ 22/7, अब ये पूरा का पूरा 22/7 जो है ये ऊपर वाली लाइंस के नीचे है, यानी कि ये डिनोमिनेटर में, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसको मैं डिनोमिनेटर से अगर हटाता हूं, क्योंकि यहां दो लाइनें आ गई ना, एक तो ये फ्रैक्शन लाइन है, उसके बाद 22/7 का भी एक फ्रैक्शन लाइन है ये वाली,
ये दो बार ही डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस 22 अपॉन 7 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं 7 अपॉन 22। तो ये डिनोमिनेटर से हटा दिया और मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इससे मेरे को R मिल गया। अब ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, 11 टू जा 22, 11 7 जा और ये आ गया 7 इंटू 7 49 डिवाइडेड बाय 4। तो 49 को अगर हम 4 से डिवाइड करें वो कितना आएगा, 49 को हम जल्दी से करते हैं, जैसे ये 49 है इसको 4 से डिवाइड करो, 4 वन जा 4 नीचे 9 आ गया, 4 टू जा 8 1.0, 4 टू जा 8 2 24 5 जा 20, तो 12.25 आ गया आंसर। सो आर विल बी 12.25। तो आज का एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हम फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं बिफोर एंडिंग द क्लास, कि जब भी हमारे को, या हम एलजेब्रा में भी पढ़ेंगे, पहली चीज है जब भी हम इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन का क्या मतलब है, एक प्रकार से तराजू, कि जो मेरा लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर है, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है। यहां अगर मैंने लिखा a मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 15, अब मैंने a का वैल्यू फाइंड करना है, a का, अब ये तो अभी सिंपल है, ये तो देख के ही पता चलता है कि a का वैल्यू 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 15 हो जाएगा, दैट मींस a की वैल्यू कितनी होगी, 3। लेकिन इसको, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, हमने क्या सीखा कि जब हमें जो चीज फाइंड करना है, जैसे हमें यहां फाइंड करना है a, तो a को हम आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट a, जिसको हमें, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आइसोलेट कैसे होगा, अब यहां a 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि जो लेफ्ट साइड है मेरी, लेफ्ट साइड मेरी कौन सी है, ये पूरी की पूरी, इस पूरी को मैं a मल्टीप्लाइड बाय 5 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, क्यों, तभी तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, अगर ये कैंसिल हो गया तो a आइसोलेट हो गया, a अलग हो गया, लेकिन मैंने लेफ्ट साइड को 5 से डिवाइड किया तो मेरे को इस राइट को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल रहेगा, ये इक्वेशन मेरे को हमेशा इक्वल रखना है। अब लेफ्ट साइड में ये 5 और 5 कैंसिल, तो a आइसोलेट हो गया और 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू मिल गई। तो ये याद रखना, क्योंकि हमने ये एलजेब्रा में आगे पढ़ना है और ये काफी हमें हेल्प मिलेगा, कि जब भी हमें किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, यहां किसका वैल्यू फाइंड करना था, फाइंड a, जिसको भी, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको हमें आइसोलेट करना चाहिए, अलग करना चाहिए, याद रहेगा। यस सर। जैसे मान लो मैं कहता हूं a डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 15, तो a कितना होगा, फाइंड a,
नहीं, थ्री नहीं होगा। अब ए को आइसोलेट करना है, फिर जब आइसोलेट अलग करने से पहले हमें देखना चाहिए कि ए का क्या ऑपरेशन हो रहा है। यहां पे देखो ए का क्या ऑपरेशन हो रहा है, डिवीजन। डिवाइड हो रहा है। तो मैं ये जो ठीक नीचे डिनोमिनेटर में जो 5 है इसको मैं कैंसिल करना चाहता हूं, तभी तो ए अलग हो जाएगा। तो मैं सर। क्या करूंगा, ए अपॉन 5 जो है इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ए अपॉन 5, ए अपॉन 5 को मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तब मैं इस 5 को और 5 को कैंसिल करूंगा, ए अलग हो गया। तो मैंने लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड को मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, फाइव तो मैं राइट साइड को भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 75। 75। और लेफ्ट साइड में ये ए और 5 और 5 कट गया, मेरे को सिर्फ ए बच गया, तो ए की वैल्यू मिल गई मेरे को। यस सर। तो आज हमने सीखा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट परसों की क्लास में करेंगे, कल तो मैथ्स की क्लास नहीं है। आइसोलेट, आइसोलेट नंबर्स, नंबर्स को हो या कोई भी वेरिएबल को हो, वो नंबर्स हो या लेटर्स हो, एलजेब्रा में तो हम लेटर्स को भी नंबर मानते हैं, उनको आइसोलेट करने से हमें उनकी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, यस तो आज किस किस की इंग्लिश की क्लास है अभी 8 बजे? सर। हाँ, तो फिर आप तो आप ये जो है, हाँ भेज दो लिंक, तो जो 9th 10th के बच्चे हैं वो इंग्लिश में ज्वाइन कर ले। तो बाकी के जो ये हैं इसको, इनको ट्राई करो जरा, सर्कल के क्वेश्चंस हैं इनको, आप सब लोग ट्राई करना, अगर सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो कम से कम पता चलेगा कि कहाँ पे हम अटक रहे हैं, क्या चीज समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, यस सर। और सर्कल में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक तो है कि सी अपॉन डी इज इक्वल टू पाई, उसका क्या मतलब है, देखो यहां पे भी अगर मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं सी को आइसोलेट करना चाहता हूं, तो सी डिवाइडेड बाई डी है इसलिए मैं इसको डी, लेफ्ट साइड में डी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो कि ये डी और डी कैंसिल हो जाए और सी आइसोलेट हो गया। अब मैंने लेफ्ट साइड में क्या किया, सी अपॉन डी को डी से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मुझे राइट साइड को भी, पाई को भी डी से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे को सी का फॉर्मूला मिल गया, सी इज इक्वल टू पाई इंटू डी, एंड डी इज माई 2 टाइम्स आर, तो मैं इसलिए लिखता हूं इसको पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर, और उसको मैं पहले 2 भी लिख सकता हूँ, फिर पाई लिख सकता हूँ, फिर आर लिख सकता हूँ, तो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, तो इन इन इस फॉर्मूला से आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, ओके सर। ये किसने किया, एड पवन पांडे, पवन पांडे किस क्लास का है, पवन पांडे आप कौन सी क्लास के हो?
बताओ सर। नाइन्थ। नाइन्थ क्या? अब आपको इंग्लिश की क्लास है, ये तो मैथ की तो 7:30 बजे थी, 7:30 बजे आप आए नहीं, 7:30 से 8 बजे होती है डेली। अब ग्रुप में देखो, अब आपकी इंग्लिश का लिंक आया, अब आप उसको ज्वाइन करो, इंग्लिश क्लास को। ओके सर। चलो बाकी स्टूडेंट्स भी, ये जो ये भी जो उसमें था ना, कौन सा वाला, ये कहाँ पे आपको मिलेगा? गूगल क्लासरूम में मिलेगा, तो आप उसमें गूगल क्लासरूम में खोल के इसको ट्राई करना। 207 पे क्वेश्चंस। ओके सर। ठीक है। ओके सर। चलो ओके, बाय 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 सर। गुड नाइट सर। Thank you.